लांदल साहब दर्शन जी और दिग्विजय जी के जाने के बाद पार्टी में यूथ को लेकर जो रिक्त स्थान हुआ है तो उसको किस तरह से भरा? जहाँ तक मुझे लगता है पार्टी का कोई भी नौजवान साथी पार्टी छोड़ के नहीं गया, सारे आज भी संगठन के साथ खड़े हैं और जो पार्टी ने जिम्मेवारी दी है उसको बेखूबी निभाएंगे और इस संगठन को और मजबूत करने का काम करेंगे। सर, निगम चुनाव चल रहे हैं तो पार्टी के कैंडिडेट का कब तक घोषित हो जाएंगे? जी, वो पार्टी के जो सीनियर हैं जो पार्टी में इस सीट का फैसला करेंगे वो बता सकते हैं। ना मेरे पास कोई ऐसा पद है पार्टी में जो मैं इस बात का खुलासा कर सकूँ। पार्टी में अब जो बिखराव आया है उसको किस तरह से आप? पार्टी में बिखराव आया का है मेरे को तो दिखाई नहीं दे रहा, ये तो आप लोगों का नज़रिया गलत है उसको देखने का। पार्टी तो आज भी संगठित है, ये झंडा बुलंद है और ये झंडा बुलंद रहेगा क्योंकि ये जो पार्टी है ये एक वर्कर की पार्टी है। पार्टी जैसे चौटाला साहब कहते हैं कभी नेता की नहीं होती, हमेशा कार्यकर्ता की होती है। जब कार्यकर्ता एक है तो पार्टी में कोई नुकसान नहीं होता। यूथ को लेकर किस तरह से आगे बढ़ेंगे? यूथ को हम बहुत मजबूत करेंगे और जल्द हमने मीटिंगें रखी, हमने युवा सम्मेलन रखे, एक बार सबसे मुलाकात करके और फिर हम इस बात पर फैसला करेंगे कि आगे किस प्रकार से हमारे को आगे की प्रक्रिया निभानी है।